ग्रानुलर आर्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स रेलियन ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके गैस को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना देता है, जिसके बाद गैस गोकू और ग्रानुला को बुरी तरह मारता है। और इसी बीच वेजिटा को अपना खोया हुआ सेंजुबिन फिर से मिल जाता है, जो वो खुद खाने के बदले ग्रानुला को खिला देता है। और आज के इस एपिसोड में हम ग्रानुला के साथ गैस के फाइट को देखेंगे, सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वेजिटा का सेंजुबिन खाके ग्रानुला पूरी तरह हील हो जाता है। वही ऑयल और माकी मोनाइटो से वेजिटा का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ ग्रानुला आ जाता है और दोनों को एक पुश से ही दूर भेज देता है, जिसके बाद मोनाइटो ग्रानुला को उसका आई बैच वापस लौटा देता है और ग्रानुला और ओटमिल की दोस्ती फिर से हो जाती है, जिसका अगले मोमेंट में ही ग्रानुला अपने पूरे ताकत से पावर अप करने लगता है और गैस को फिर से एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे सुन के गैस गोकू को छोड़ ग्रानुला से लड़ने आ जाता है। और इसके साथ ही दोनों का घमासान बैटल शुरू हो जाता है, जिसमें ग्रानुला अपने भीम से गैस पे हमला कर देता है, जो गैस अपने शील्ड से रोक के वेपन से ग्रानुला पे हमला कर देता है। मगर ग्रानुला ओटमिल की मदद से गैस के सारे अटैक को डॉज कर पाता है, जब वो गैस के फेंके हुए एक मेटल बॉल को भी रोक लेता है। मगर ये गैस का एक ट्रैप था, क्योंकि ग्रानुला के पकड़ने के बाद ही वो इस पूरे बॉल को ही एक्सप्लोड कर देता है और बाहर से बहुत सारे और प्रोजेक्टाइल वो ग्रानुला पे छोड़ देता है। मगर धुआं हटते ही हमें दिखता है ग्रानुला हर एक कुनाई को पकड़ चुका है। ये सब ट्रिक्स मुझ पे और काम नहीं करेंगी, जिसके साथ ही दोनों फिर से घमासान हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं, जब ग्रानुला गैस को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गैस दूर पेड़ पे जा लगता है। वही ये फाइट दूर से गोकू और वेजिटा देख रहे होते हैं। गैस कुछ देर पहले ही स्ट्रॉन्गेस्ट बना है, हाँ, जिसका मतलब वो अभी अपना फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता के, तो वैसा ही लगता है। जैसे वेजिटा ने कहा, हम ग्रानुला को गैस के साथ इस फाइट को डोमिनेट करते हुए देखते हैं। वही वेजिटा बोलता है कि अभी भी इन दोनों के बीच बहुत गैप है और यही ग्रानुला का चांस है, लेकिन वो आखिर इन अजीब वेपन्स को क्यों यूज कर रहा है? पता नहीं, शायद उसे ये एबिलिटी विश के साथ मिला है। मगर मोनाइटो वेजिटा को गलत कहता है और बोलता है कि ये एबिलिटीज उसके पास शुरू से ही थी। वही बैटल में गैस अपने वेपन से ग्रानुला पे हमला करने जाता है, मगर ग्रानुला उसके वेपन को रोक के उसके पेट पे एक जोरदार लात मारता है और कहता है वो आखिर इन वेपन्स को ही क्यों यूज कर रहा है, क्या विश से उसे कोई और पावर नहीं मिला है? जिसके साथ ही गैस ग्रानुला के पंच को उसके पावर से रोक के उसे दूर भेज देता है। जब हमें ये समझ आता है कि अब तक गैस होल्ड बैक कर रहा था, क्योंकि वो अपने खुद के टेक्निक से सबको हराना चाहता था, जिसके बाद ही हम गैस का ट्रू पावर देखते हैं, जब वो अटैक के बीच ही ग्रानुला के सामने टेलीपोर्ट कर जाता है। तुम्हारे पास जो एबिलिटीज है, अब वो मेरे पास भी है और मेरा पावर तुमसे ज्यादा सुपीरियर है, जिसके साथ ही ग्रानुला दूर जा गिरता है, जो अटैक देख के वेजिटा को डिस्ट्रक्शन से सिमिलर लगता है। लेकिन ग्रानुला ने अभी तक हार नहीं माना है, जब दोनों ही इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सुपर स्पीड से फाइट करने लगते हैं। और वेजिटा ये नोटिस करता है कि गैस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल स्लोपीली कर रहा है। जब गैस और ग्रानुला दोनों ही एक दूसरे पे क्रिटिकल हिट लैंड कर देते हैं और वेजिटा को लगता है कि ग्रानुला के पास अभी भी जीतने का चांस है, वही गैस और ग्रानुला एक दूसरे पे पूरी ताकत से हमला किए जा रहे हैं। जब पहले तो ग्रानुला फाइट में गैस के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन गैस वक्त के साथ साथ ग्रानुला से उसके लेवल पे लड़ने लगता है, जो देख के वेजिटा बोलता है कि ग्रानुला ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है और गैस अब ग्रानुला के मूव से यूज्ड टू हो रहा है, जिसके साथ ही गैस ग्रानुला के ऊपर भारी पड़ने लगता है। मगर तभी ग्रानुला अपना बहुत सारा क्लोन बना के गैस पे चारों तरफ से अटैक करने लगता है, जिससे गैस फ्रस्ट्रेटेड होकर ग्रानुला के एक एक क्लोन को मारने लगता है और बोलता है क्लोन बना के अपना ही पावर को डिवाइड करना ये एक बेवकूफ वाला काम है। जो बोलते हैं गैस अपने लेजर से ग्रानुला के सारे क्लोन्स को मार देता है, लेकिन ग्रानुला भी इसी मोमेंट के इंतजार में था। वो इसी ओपनिंग का यूज करके गैस के पेट पे एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे गैस पत्थरों को तोड़ते हुए पानी में जा गिरता है, जिसे बचाने ऑयल और माकी उसके पीछे निकल जाते हैं। वही ग्रानुला बुरी तरह थक चुका है, जिसे देख वेजिटा बोलता है कि ग्रानुला के क्लोन्स का डैमेज उसके रियल बॉडी में इन्फ्लिक्ट हुआ है और ग्रानुला का ये आखिरी अटैक एक सैक्रिफिशियल अटैक था। दूसरी तरफ ऑयल और माकी गैस को पानी से बाहर निकालते हैं, जब वही एलेक आ पहुंचता है और वो गैस के सिर से उसका पहना हुआ नेकलेस निकाल लेता है। और हमें पता चलता है कि अभी तक गैस का ज्यादातर पावर सील हुआ पड़ा था, जिसके पीछे का रीजन हमें एलेक और माकी के कन्वर्सेशन से पता चलता है, जब माकी इसे एक बुरा आइडिया बताती है, क्योंकि जब भी हीटर्स का इंस्टिंक्ट अनलीश होता है तो वो अपना सारा सेल्फ सेंस खो देते हैं। और वही नेकलेस निकालने के बाद हम गैस को पावर अप होते देखते हैं, जो पूरे शरीर से बल्क अप हो जाता है, जिसे देख मोनाइटो हैरान होकर बोलता है कि 40 साल पहले उसने ये लुक देखा था, जब बर्डोक ने गैस को लगभग हरा दिया था और तब गैस इसमें बदल गया था। वही गैस सीधा आके ग्रानुला पे हमला कर देता है और उसे पकड़ के बुरी तरह मारता है और फिर उसके सिर को पकड़ के जमीन में घुसा देता है और उस पे मर्सिलेसली एक के बाद एक पंच करता रहता है, जो देख गोकू समझ जाता है कि ऐसे ही चलने से ग्रानुला ज्यादा देर नहीं टिकेगा। और वेजिटा मोनाइटो से पूछता है कि आखिर कैसे बर्डोक ने गैस को हराया था, मगर मोनाइटो बोलता है कि वो उस वक्त बेहोश हो जाने की वजह से कुछ नहीं देख पाया था। दूसरी तरफ गैस अपने इंस्टिंक्ट को अनलिस्ट करने के बाद अपना पूरा आपा खो चुका होता है, जब वो कुछ न समझ के ऑयल और माकी पे भी हमला कर देता है और खुद पत्थर पे जाके टकरा जाता है, जिसके बाद वो सीधा आके वेजिटा पे एक के बाद एक हमला करने लगता है, जिसे देख गोकू गैस पे हमला कर देता है। लेकिन गोकू को देख के गैस 40 साल पहले उसके साथ बर्डोक के फाइट को फिर से महसूस कर पाता है, जिससे वो खुद ही दूर जाके
अपने सिर को पकड़ के जमीन पे हाँफने लगता है। जब एले गैस के पास आके उससे कहता है, हाँ गैस याद कर, उस दिन तूने ये कसम खाई थी कि फिर तू कभी नहीं हारेगा। जो सुन के गैस अपने आप को शांत करता है और फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में लौट आता है, जिसे देख के सब लोग समझ जाते हैं कि गैस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। और इसके अगले पल में ही गैस बस अपने आँख से गोकू और वेजिटे को ओवरमेल्म कर देता है। जब वही ग्रानोला अचानक एलेक के पीछे से उस पर हमला करने जाता है, मगर गैस एलेक को टेलीपोर्ट करके उसे बचा लेता है। लेकिन ग्रानोला अपने माँ और लोगों का बदला लेने के लिए एक बार फिर से अपने बीम से एलेक पे हमला कर देता है। जब अचानक गैस ग्रानोला के हाथों को ही एक लात मार के तोड़ देता है और अपने बीम से उसके आंखों पे हमला कर देता है। छुकरी, अब तक जो जो काम तूने मेरे लिए किया है और आखिर में कुछ नहीं तो तू अपने माँ जैसा तो मर रहा है। और वही ग्रानोला नीचे पानी में गिर जाता है। वही नीचे वेजिटा गैस को हराने के लिए अपनी आखिरी बची कुछ एनर्जी भी गोकू को दे देता है, जिसका अगले पल में ही गोकू ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर गैस पे हमला कर देता है और अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने का कोई भी इच्छा नहीं है, सो क्या तुम लोग इस प्लेनेट को छोड़ के नहीं जा सकते? तुम अभी तक शांत हो, अपने दोस्त को मरते हुए देख के गुस्सा नहीं आ रहा है? मैं बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन गुस्सा मेरे टेक्निक के बीच आता है। और वही पीछे से एलेक भी बोलता है, अब जब तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते। जिसके साथ ही गैस बड़े बड़े नुकीले मेटल डोर का इस्तेमाल करके गोकू पे हमला कर देता है, जिन्हें गोकू अपने ताकत से डॉज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर तभी गैस रुइन सिटीज के डेब्रिस को भी गोकू के ऊपर छोड़ देता है और अचानक एक ट्रेन से उस पे हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों ही ट्रेन के ऊपर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जब गैस एक और ट्रेन से गोकू पे हमला कर देता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मार के गोकू को गले से पकड़ के बोलता है, मैं तुम्हारे आंख में वो फायर क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? जब बात लड़ने की आती थी तो तुम्हारा पिता का फियर्स रिजॉल्व सबसे ज्यादा था, मगर ये मैं तुमसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पे गोकू गैस पे हमला करते हुए कहता है कि उसने छोटे में सिर के बल गिर के अपनी सारी मेमोरीज खो दी थी, जिस वजह से उसे अपने पिता और सेयंस के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हाँ, अब मैं समझा, तुम खुद कौन हो वो तुम खुद ही नहीं जानते, इसलिए मैं तुम जैसे किसी से नहीं हार सकता हूँ। जिसके साथ ही गैस गोकू के साथ पूरे ट्रेन को ही पानी में गिरा देता है, जिससे गोकू पानी के नीचे स्ट्रगल करने लगता है। जब गोकू गैस पे अपने अटैक से हमला करने की कोशिश करता है, मगर गैस उसके अटैक को ही लेके वापस उस पे छोड़ देता है, जिससे लेक का पानी चारों तरफ फैल जाता है। और गोकू इस अटैक को किसी तरह सर्वाइव करके सोचता है कि कैसे वो गैस जैसे किसी को हरा सकता है, मगर गैस तभी देखता है कि ग्रानोला अभी तक जिंदा है और वो समझ जाता है कि मोनाइटो ही अपने पावर से सबको हील कर रहा है। जो देख के इस बार गैस मोनाइटो को सबसे पहले मारने का डिसाइड करता है और उस पे हमला करने जाता है, मगर तभी अचानक गोकू गैस को पकड़ के ही टेलीपोर्ट हो जाता है और गैलेक्टिक पेट्रोल के जाको के एनर्जी को ट्रैक करके वो किसी दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाता है। जिसके बाद गोकू गैस को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि वो खुद के टेलीपोर्टेशन से इतनी दूर कभी नहीं पहुंच सकता था। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा टेक्निक मुझसे सुपीरियर है? हां बिल्कुल, क्योंकि ये टेक्निक मैं बरसों से इस्तेमाल करते हुए आ रहा हूं। जिसके साथ ही दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं, मगर गोकू कुछ देर बाद फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए गैस भी उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद गोकू गैस को फाइट करते करते एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ले जाता है और आखिर में गोकू चालाकी करके गैस को दूर एक प्लेनेट पे हुईस के पास ले आता है और खुद वहां से वापस टेलीपोर्ट करते हुए प्लेनेट सीरियल पे पहुंच जाता है। वही गैस भी गोकू को फॉलो करने की कोशिश करता है, मगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो गोकू के पास टेलीपोर्ट नहीं कर पाता, इसलिए कोई और रास्ता ना पा के वो उड़ के प्लेनेट सीरियल की तरफ निकल जाता है। यहाँ गोकू और बाकी सबको लेने के लिए ओटमील रोबोट बन के एक स्पेसशिप लेके आता है, जिसमें सब साथ बैठ के सेफ जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके कुछ पल बाद ही स्पेसशिप में गोकू को हुईस का कॉल आता है, जो चीज उसने गोकू से मिलते वक्त ही उसके कपड़ों पे लगा दिया था। और हुईस गोकू को इन्फॉर्म करता है कि गैस 20 मिनट में उनके लोकेशन तक पहुंच जाएगा। और आगे हुईस गोकू से पूछता है, क्या तुम्हारे ट्रेनिंग का कुछ फायदा हुआ गोकू? सच बोलूं तो मुझे मुश्किलें आ रही है, मैं तुम्हारी तरह हर वक्त अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा हूं। मैं समझ सकता हूं एक एंजल होने की वजह से मैं तुमसे अलग हूं, इसलिए तुम्हें अपना खुद का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का वर्जन ढूंढना होगा। अपने दिल के आवाज को सुनो कि डीप डाउन तुम कौन हो। जिसके बाद वेजिटा और गोकू दोनों मोनाइटो के घर पे पहुंच जाते हैं, जहां मोनाइटो गोकू को बर्डॉग का स्काउटर देता है, जो कि बर्डॉग से 40 साल पहले ही यहीं पे छूट गया था। और आगे मोनाइटो बोलता है कि इसमें शायद बर्डॉग और गैस के बीच हुए बैटल का ऑडियो डाटा हो सकता है, जिससे आखिरकार पता चल सकता है कि बर्डॉग ने कैसे गैस को हराया था। मगर वेजिटा के चेक करने पे ये स्काउटर टूटा हुआ निकलता है, जिसपे ओटमील कहता है कि वो इसके डाटा को एक्सेस करके अपने स्पीकर्स पे प्ले कर सकता है। और इसके कुछ पल बाद ही ओटमील उस स्काउटर को चालू कर देता है और सब लोग पहली बार बर्डॉग के वॉइस को सुनते हैं, जो बोलता है, उस अटैक का कुछ तो इफेक्ट जरूर हुआ होगा। मोनाइटो, इस मौके का इस्तेमाल करके जितना दूर हो सके चले जाओ, मैं यही गैस को रोकने की कोशिश करूंगा और तुम दोनों को जिंदा रहना ही होगा। और वही गोकू पहली बार बर्डॉग का वॉइस सुन के उसकी बचपन की मेमोरीज वापस आने लगती है, मगर वही दूसरी तरफ गैस गुस्से से प्लेनेट सीरियल की तरफ आ रहा है। सो क्या गोकू और वेजिटा मिलकर यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर गैस को हरा पाएंगे? जिसे जानने के लिए तुम्हें ग्रानोला आर्क का आखिरी एपिसोड देखना होगा।